अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट टाइम न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, वो है रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट टाइम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके टाइप्स को देखा था। आज हम कुछ बात करने लगे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसको पढ़ने इसी को रिवर्स कर दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के अंदर। पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस, फायदे क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। काफी सारे टाइप्स पढ़े थे हमने, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। बड़ी आसान सी बातें आज भी हम करेंगे, तो ये तीन चार लेक्चर आपको बड़े इजी जाएंगे, क्योंकि आपने जूलॉजी भी पढ़ ली है, काफी नॉलेज आपके पास है इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है? प्रीपेट्यूएशन ऑफ जीन, perpetuation of gene से मुराद क्या है? आपके जीन रेडी हैं किसके लिए? उसी एनवायरमेंट के लिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वो वहां के आदिम हैं। इट मींस उनके जीन्स वो तमाम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनको उनके एनवायरमेंट में रहने की क्या कर रहे हैं, काबिल कर रहे हैं। तो perpetuation of gene से मुराद सेम जीन ट्रांसफर होंगे किनके अंदर? ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब जो पेरेंट्स के अंदर जो जीन थे वो भी तो उसी रह रहे थे, इसलिए तो क्या चाइल्ड नहीं रह सकेंगे? उनके पास भी तो वही जीन आए हैं, तो इट मींस के वो रेडी होंगे, उनके जीन्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो उनको उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। बस चेंज ना हो एनवायरमेंट, उसका भी खतरा रहता है। लेकिन ये एडवांटेज तो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि पेरेंट्स वाले सेम जीन आ गए हैं बच्चों के पास, अब पेरेंट्स भी उस एनवायरमेंट में पहले से अडॉप्टेड थे, बच्चे भी ऑटोमेटिक उस एनवायरमेंट में क्या हो जाएंगे, अडॉप्टेड हो जाएंगे, वो वहां पर रहने में क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट बड़ा फायदा है, वन पेरेंट से इन्वॉल्व होगा। कैसे फायदा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेचारा मेल काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, काफी टाइम वेस्ट करता है किसको लोकेट करने में, फीमेल को लोकेट करने में, वोकलाइजेशन करता है। हमने बर्ड्स में देखा था जो क्रेन्स के अंदर डांसिंग करनी पड़ जाती है बेचारे को, वो बेचारा जो है अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो अपनी काफी सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं किसको, लोकेट द फीमेल, फीमेल को लोकेट करने में क्या काफी ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ही एक पैरेंट तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ये भी एक फायदा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रैपिड मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन मीन्स बड़ी जल्दी तादाद बढ़ेगी। व्हाट इज फिटेस्ट, आपने एवोल्यूशन पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो है बॉटनी सी के अंदर देखी होगी आपने, जो है फिटेस्ट किसे कहते हैं एवोल्यूशन में, आप तो ऑफकोर्स नहीं बताएंगे। फिटेस्ट कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है ऑफस्प्रिंग, जो जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है उतना ज्यादा क्या है, फिट है। तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाते हैं और उनकी डिस्पर्सल भी क्या हो जाती है, फिर आसान हो जाती है। तो ये तो कुछ क्या थे एडवांटेजेस थे, बादन के अंदर जब भी ये कह सकते हैं पके पकाए जीन मिल जाएंगे, वो अडॉप्टेड थे अपने एनवायरमेंट में, ऑटोमेटिक चाइल्ड भी क्या होंगे, अडॉप्टेड होंगे, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा, एनर्जी और जो है बच जाएगी जो है दूसरे पेड़ को ढूंढने के लिए, तादाद जल्दी बढ़ेगी, डिस्पर्सल भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। एट द सेम टाइम कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। डिसएडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, नुकसान क्या है? नो जेनेटिक वेरिएशन, जो तो पहले लेंगे ना हम म्यूसिस होती नहीं है क्रॉसिंग और कैसे होगी फिर, तो नो जेनेटिक वेरिएशन, सिर्फ म्यूसिस की बात नहीं है वेरिएशन में, दो पेरेंट्स के जीन इकट्ठे हो रहे हैं वो भी तो चेंज आ रहे हैं ना, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती इनके अंदर। तो मैंने बताया कि जैसे पेरेंट्स के जीन थे वैसे आगे पेरेंट अपनी जिंदगी गुजार के चार जैसे पैदा हुआ एनवायरमेंट चेंज हो गया, अब क्या करेगा, उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, वो नए एनवायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकेगा। एग्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, रैपिड मल्टीप्लीकेशन तादाद फिर से बढ़ेगी और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, बड़ी जल्दी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। डेविस्टेशन ऑफ पॉपुलेशन, सारी आबादी की आबादी तबाह हो जाएगी, एक कोई स्पेसिफिक डिजीज आई, अब किसी में जेनेटिक वेरिएशन है नहीं, अब एक डिजीज किसी एक को लगेगी सबको लग जाएगी, पूरी पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी उस एक डिजीज से क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, तो पॉपुलेशन जल्दी इफेक्टेड होगी वेरिएशन ना होने की वजह से। इसके अलावा नॉट फॉर विद चेंजिंग एनवायरमेंट, मैंने ऊपर बताया कि एनवायरमेंटल चेंजिंग को ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे।
ट्रांसमिशन ऑफ लेथर जीन, हाँ इनका एक और बड़ा इशू है, अ वेरी सडनिंग चांस ही नहीं है, पेरेंट मदर का जीन आ गया, फादर का जीन आ गया, कोई चांस ही नहीं है, एक्स वाई कॉम्बिनेशन देखा है आपने, एक्स लिंक जीन वाई लिंक जीन, वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो चांस है कि हो सकता है लेथर जीन ना आए, लेकिन इसमें तो कन्फर्म है ना वो जो ऑफस्प्रिंग ऑफ के अंदर लेथर जीन क्या आएगा, लाजमी आएगा, इफेक्टिव जीन लाजमी आएगा, कन्फर्म है, अगर पेरेंट्स इफेक्टेड है चाइल्ड लाजमी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। चले भरा नेक्स्ट बात करते हैं, ये टॉपिक खत्म हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन होती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उनकी फ्यूजन से क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बने, ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़े आसान सी बातें हैं, करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो सेक्सुअल जो इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा हुआ है उसके अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, जीन होगा, उसके बाद न्यू कॉम्बिनेशन होगा किसका, जीन का होगा, प्लस वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा, ये करैक्टरिस्टिक्स है। उस मैं करैक्टर बता रहा हूँ उस चाइल्ड की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से पैदा हुआ है, तो उसमें न्यू यूनिक कॉम्बिनेशन जीन का होगा, पेरेंट्स से क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसके बाद दोनों पेरेंट्स के ट्रेट भी क्या है मौजूद होंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटजीज की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स की पहले बात करेंगे हम, फिर वर्टिब्रेट्स में हम सिर्फ ह्यूमन को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन के ऊपर बात होगी सारी की सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं वो किसमें पढ़ने लगे हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। आगे फिशन एंड फीमेल जब टच करेंगे, जूलॉजी पढ़ रहे हैं ना हम, तो लेकिन डिटेल में जो है ह्यूमन के ऊपर जाएंगे हम। सुनो फर्टिलाइजेशन कौन सी है, ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल स्पर्म बाहर रिलीज करता है, फीमेल एग बाहर रिलीज करती है, बाहर उनकी क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है वगैरह वगैरह, जो है गैमेट रिलीज करने के लिए कोई मैटर इस्तेमाल करता है, स्पर्म डक्ट इस्तेमाल की जाती है, ओविडक्ट जो है इस्तेमाल की जाती है, स्पर्म और एग को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, वहीं पर क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है। इस टॉपिक को ब्रेक लगाते हैं, एक्सटर्नल के बाद क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, उसे क्या कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट मींस के अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो मेल को स्पर्म ट्रांसफर करने पड़ेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए उसके पास ओवुलेटरी ऑर्गन या पीनस होना जरूरी है, जिसके जरिए वो फीमेल की बॉडी में स्पर्म क्या करेगा इंजेक्ट करेगा, तो स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी से एग आएगा और ओविडक्ट के अंदर स्पर्म आ जाएगा, तो विद द फीमेल बॉडी की क्या होगी फर्टिलाइजेशन होगी, और बाद मसला वो एग ले करता है या चाइल्ड को बर्थ देता है, तो इनवर्टिब्रेट्स में एग ही ले करते होते हैं सारे सारे। और अगर इनका जनरल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें फीमेल का और मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरलाइज इनवर्टिब्रेट्स का है, ये वर्टिब्रेट्स का नहीं है ये, तो टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस उसमें से स्पर्म बनते हैं, वो किसके जरिए जाते हैं स्पर्म डक्ट के जरिए, कहां आती है सेमिनल वेसिकल व्हिच इज स्टोरेज स्ट्रक्चर, यहां पे स्पर्म क्या होते हैं स्टोर होते हैं, ठीक हो गया। वहां से फिर एजुकेटरी डक्ट आती है, एजुकेटरी डक्ट वो डक्ट जहां से स्पर्म क्या होंगे बाहर रिलीज होंगे थ्रू गोनोपोर, ठीक है, उसी डक्ट का नाम लेते हैं किसका एजुकेटरी डक्ट, जिसके जरिए स्पर्म डक्ट होती है वो स्पर्म को सेमिनल वेसिकल में ले जाएगी जहां पर स्पर्म स्टोर होंगे, एजुकेटरी डक्ट वो स्पर्म को क्या होगा बॉडी से बाहर लेके जाएगी वो गोनोपोर आगे। इसके अलावा इनके पास स्पर्मेटोफोर भी बनते हैं, इनके पास क्या बनते हैं स्पर्मेटोफोर, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी को रिपीट कर देते हैं, हम बात कर रहे थे हम क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे हम, तो मेल में हमने बताया कि क्या है टेस्टिस होती हैं, स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसिकल जहां स्पर्म स्टोर होते हैं, एजुकेटरी डक्ट जहां से स्पर्म बॉडी से क्या है बाहर रिलीज होते हैं थ्रू अ पोर नोन एज गोनोपोर। कुछ इनवर्टिब्रेट्स आपने पढ़ा होगा जो है डिफरेंट जो है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्पर्मेटोफोर, कुछ इनवर्टिब्रेट अपने स्पर्म के बाहर क्या बनाते हैं बाहर की तरफ क्या बनाते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन का कैप्सूल बनाते हैं जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं, ये स्पर्म कैरियर भी है स्पर्म प्रोटेक्टर भी है और ये स्पर्म को लॉस भी नहीं होने जाया नहीं होने देता, स्पर्म को स्टोर कर लेता है उसको प्रोटेक्शन देता है उसका कैरियर के तौर पर क्या करता है ये एक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सेम पेयर ऑफ क्या है इनके पास ओवरीज ओविडक्ट एसेसिव ग्लैंड जो डिफरेंट टाइप की क्या है कि स्पेशल सर्विस करेंगे, सेमिनल रिसेप्टिकल है स्पर्म रिसीव करने वाला इलाका विजाइना है और बाहर गोनोपोर, गोनोपोर के जरिए जो है स्पर्म इंजेक्ट
सेक्सुअल ग्लैंड डेवलपमेंट और ओविडक्शन फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह जो है सारा प्रोसेस चलता है। इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को हम नाम देते हैं किसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ नया फिनोमेना भी देखा गया है, हर्माफ्रोडिज्म का फिनोमेना। ये वर्ड से आप वाकिफ होंगे, हर्माफ्रोडिज्म क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंगल इंडिविजुअल होता है, उसके पास बोथ सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन उसके पास होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन उसी के पास होता है। ऐसे इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट और इस फिनोमेना को नाम देते हैं हर्माफ्रोडिज्म, या इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं मोनोइसियस। मोनोइसियस जिसके पास एक इंडिविजुअल है जो है सॉरी डाई जो है एक इंडिविजुअल, उसके पास दोनों तरह में क्या मौजूद है, सेक्स ऑर्गन मौजूद है, ठीक हो गया, बोथ सेक्स ऑर्गन। हाँ, इसका फायदा क्या है हर्माफ्रोडिज्म का? फायदा यह है कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं सिसाइल, वो सबसे ज्यादा अटैच रहते हैं, बहुत ज्यादा स्लो मूविंग है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है ये मेल है और काफी दूर फीमेल है, तो इसकी पूरी जिंदगी बेचारे की फीमेल तक पहुंचते पहुंचते गुजर जाएगी, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब करेगा? तो ऐसे इंडिविजुअल जो सिसाइल होती हैं बहुत स्लो मूविंग होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा क्या रहती है, अटैच रहती है, वो मेल के पास नहीं पहुंच पाते, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, वो अपनी बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन बना लिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी क्या कर लिया है, बना लिया है। लेकिन फिर भी हर्माफ्रोडाइट वालों की कोशिश होती है कि हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करें। वो हमने आप लोगों ने अर्थ फॉर्म फाइलम एनिलिडा अर्थ फॉर्म में देखा होगा, दो अर्थ फॉर्म जो है क्लाइटल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, अटैच हो जाते हैं उसके साथ, तो इसका स्पर्म इसके पास जो है और इसका स्पर्म इसके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी मैक्सिमम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। जिसके पास मेट ना अवेलेबल हो तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर लेते हैं। तो सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिज्म क्या होता है? सीक्वेंशियल सीक्वेंस के साथ हर्माफ्रोडाइट, सीक्वेंस मींस कि वो अपनी जिंदगी के एक स्टार्ट हिस्से में या अपनी लाइफ में वो एज अ मेल एक्टर होता है या एज अ फीमेल एक्टर होता है, जबकि बाकी हाफ लाइफ में वो एज अ मेल या एज अ फीमेल एक्टर आता है, ठीक हो गया। तो ये सीक्वेंशियल क्या होगी हर्माफ्रोडिज्म। अब मैंने बताया या तो स्टार्ट में मेल होगा बाद में फीमेल होगा, या स्टार्ट में फीमेल होगा फीमेल होगा बाद में क्या होगा मेल होगा, यानी स्टार्ट में फीमेल पार्ट सेक्स ऑर्गन हो सकता है या मेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है। तो दो फर्टिलाइजेशन है इसकी, प्रोटोगाइनस और प्रोटेंड्रस। प्रोटोगाइनस गाइनस कहते हैं फीमेल के लिए है, गायनेकोलॉजी से गाइनस का वर्ड हो सकता है। तो प्रोटोगाइनस जो फर्स्ट हाफ अर्ली लाइफ में वो एज अ फीमेल एक्ट करेगी बाद में एज अ मेल, जबकि प्रोटेंड्रस जो होते हैं वो स्टार्ट में क्या होते हैं मेल होते हैं बाद में क्या होते हैं वो फीमेल के तौर पर क्या करते हैं एक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, वो मैंने कहा था इसी को रिवर्स कर लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इसके जो डिसएडवांटेज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस है, उनमें जेनेटिक वेरिएशन है, वो क्या है कि एक डिजीज आई तो खत्म नहीं हो सकते, वो एनवायरमेंटल चैलेंज का सामना कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज ये है उनके पास जो है, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक ही अब हमारा सारा चलेगा, लेकिन हम पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरल, फिशेज एंड फीमेल रिटायल बर्ड मेंबर प्रोसेस में चेंज देखेंगे, एवोल्यूशन देखेंगे क्या क्या आई है, उसके बाद हम आएंगे मेल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल। अगर आपके पास सेकेंडरी की बुक मौजूद है एफएससी की तो आप उसमें से मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें जो है आप ओवोजेनेसिस मेटरोजेनेसिस को टेस्ट कर लें, फिर आपको इजी रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट तो होना, यहाँ हम उसी डिटेल में बातें करेंगे। चलें फिलहाल के लिए आप जो है इसको तैयार कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।